ये जितने भी कबूतर हैं सभी पहले यहीं बैठे थे, अब उड़ के सभी वहाँ चले गए। मैंने जैसे ही सोचा शूट करूँ सब उड़ के चले गए। मेरे व्लॉग्स पे एसपीए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ट्राई करता हूँ सभी के रिप्लाई करने के और सभी के कमेंट्स लाइक करने की, बट मेरा कमेंट ना ही कोई रिप्लाई करता है और ना ही कोई लाइक करता है। तो या तो फिर लोगों को मेरे रिप्लाई पसंद नहीं आते या फिर वो देखते नहीं हैं। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए कि अपने रिप्लाई उनको देने की। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं उन सभी एसपीए से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। खैर फ़िलहाल तो मेरा टाइम हो गया सो के उठने का और पानी आ गया होगा तराई करने का भी। जिसको तराई नहीं पता है, तराई मतलब क्योरिंग करना, और अगर क्योरिंग भी नहीं पता है तो डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा चैलेंज है सुबह सुबह 3 फ्लोर तक इस पाइप को पहुँचा रहा। उसके बाद के चैलेंजेस की अपनी अलग कहानी है। वैसे तो ये व्लॉग एसपी ओरिएंटेड है, बट ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मुझे डेली करना ही है, इसीलिए डेली व्लॉग नहीं बनता है। तो काम ही इतने होते हैं, तो व्लॉग बना लो या काम कर लो। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि काम में फिर भी थोड़ा सेक्रीफाइस हो जाए, व्लॉग में नहीं होना चाहिए। एसपीए दिल्ली का जो फीस स्ट्रक्चर है एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट आइडिया दे सकता हूँ। जो फीस है सेमेस्टर फीस अराउंड 50,000 है और हॉस्टल और मेस का दोनों का मिला के अराउंड 40,000 है। और ये जो फीस है ये सभी की सेम है, चाहे वो बैचलर्स में हो मास्टर्स में हो। हॉस्टल का सीन एसपीए में कुछ ऐसा है कि हॉस्टल ना सबको नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड हॉस्टल्स हैं। तो शायद मेरे हिसाब से 30-40% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है। तो गर्ल्स के लिए ऐसा है कि पास में ही एसपीए कैंपस के पास में AIWC के हॉस्टल्स हैं, तो गर्ल्स वहाँ पे हॉस्टल ले सकती हैं, काफ़ी डिसेंट हॉस्टल्स हैं वो। बॉयज़ की अगर बात करूँ तो बॉयज़ के लिए ऑप्शन है कोटला में, कैंपस के बिल्कुल पास में ही कोटला है। वहाँ पर PG वगैरह तो नहीं है, बट फ्लैट लेके बॉयज़ रह सकते हैं। और अगर PG की बात करें तो बॉयज़ के लिए लक्ष्मी नगर एक जगह है जहाँ पर बॉयज़ को PG बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इस ब्लॉग का मेन जो निश है ना वो ये है कि मैं एसपी के बारे में बता रहा हूँ लोगों को, व्यूअर्स को। काफी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं हॉस्टल वगैरह के बारे में बता रहा था। तुम शायद AWC में रही हो ना? हाँ, yeah. She is the girl. मैं भी AWC के बारे में बता रहा था। बट एसपी हॉस्टल के कंपैरेटिवली ठीक है, less pollution, less kiosks, good morning walks you can have, good evening walks you can have if you have time after SPA also. Yeah, it's a good place. But uska procedure is a bit bahut hi hai, but it's a good place. But Delhi mein agar rehne ke liye jagah chahiye to thoda it's very struggle to karna padega. SPA to it's very near only, ek bus stop ki duri hai, do bus stop aaye hain and 5 मिनट में चले जाओगे आप। और हॉस्टल जाने में लगता है आधा एक घंटा कम से कम। इट्स गुड, देखो कितना अच्छा हुआ ना। मैं भी ब्लॉग शूट कर रहा था, यहाँ सामने से ही आई तो मेरे को थोड़ा ऐसे नर्वसनेस हुई कि हाँ यार एकदम से आ गई मैं, कैसे कैमरा फेस क्या करूँगा। बट फायदा हो गया, कंटेंट मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच। बाय बाय रेनुका। बाय।
सेल्फी वाला ही मोड है, इसी में आएगा। अच्छा भाई वाह, कौन सा शेक पी सकते हैं? मैंगो शेक नहीं, बनाना शेक नहीं, स्ट्रॉबेरी शेक नहीं। लेट्स फाइंड आउट इनसाइड। हॉस्टल में आपको सैटरडे को डिनर नहीं मिलता है। इसके पीछे उन लोगों का मानना है कि सैटरडे को आप थोड़ा बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बॉन्डिंग वगैरह बनाओ, और जो मेस वाले लोग हैं उनको थोड़ा एटलीस्ट एक दिन में एक टाइम का रेस्ट मिल सके। ये सही है गलत है, आई डोंट नो। इफ यू आर स्टिल क्यूरियस अबाउट ESP हॉस्टल लाइफ, ESP की हॉस्टल लाइफ कैसी है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए। मोर देन 100 ब्लॉग्स हैं जिसमें पूरी ESP की लाइफ आप देख सकते हो। टेन 10 बज गए हैं और मैं अब ऑफिस से निकल रहा हूँ। मुझे पेट्रोल भी डलवाना है, और हमारे यहाँ पे जो आसपास के पेट्रोल पंप हैं वो 10:30 बजे बंद हो जाते हैं, और मेरे पास इतना पेट्रोल है नहीं कि मैं बिना पेट्रोल डलाए घर चला जाऊँ। तो आई होप कि पेट्रोल पंप मुझे खुला मिल जाए, मैं पेट्रोल डला लूँ और घर सेफली चला जाऊँ।